कोई ना, अंजीर खा तो पहला आलस दूर हो जाएगा। हाँ क्या हो गया बिंदी? अरे यार हद होगी, बिंदी खाने लगे खा ले फटाफट, मैं एक बार जिम हो जाऊँ फटाफट से, ठीक है ओके। हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलोगे तो फिर भी जाऊँगा, बस तो फिर खा लो फटाफट। वेरी गुड, अब थोड़ी बहुत सही हो रही है पहले से, अपने आप खा ले, मैं तो पहला बोल बोल के परेशान हो जाता था। बोल रही हूँ, चुप रह। ऐसा करे मेरे मारे अपना बोलो, ठीक है। भाई मैं फिर भी थोड़ा शर्म कर जाती हूँ बाहर कभी जाती हूँ तो मैं कैमरा नहीं उठाती, बहुत सच है। जो वीडियोस आप लोग मेरी बाहर देखते हो वो मेरी बनाई हुई नहीं होती, वो मेरे पति की बनाई हुई होती है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो इनको भी। मत रुला यार, रो मत, मान जाइए मेरे जैसे लोग। तो भाई प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मोटिवेट होंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, फिर बनाना क्यों, दिखाना किसको, एंटरटेनमेंट किसको करना। और भाई ये व्लॉग्स बनाने का रीज़न भी यही है कि आप लोग देखो, कुछ सीखो वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए। और मैं भी जो घर में दिखाती हूँ वो इसलिए दिखाती हूँ, आप अपनी चीज़ों को मोटिवेशन के साथ लोगे तो ही आप घर को इम्पोर्टेंस दोगे। तो प्लीज़ थोड़ा करो सपोर्ट, तो प्लीज लाइक सपोर्ट कर दीजिए आप, थोड़ा सा शेयर ज्यादा कर दीजिए, मजा आ जाएगा हमें भी, और थोड़ा अच्छा सा आपके लिए कंटेंट अलग अलग। देखो भाई इन्हीं का ही पे सबसे पहले बढ़ा था, इन्हीं के मिलियन हुए थे, इन्हीं के व्यूज पहले से ज्यादा थे, पर अब इनका थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे भी, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। तो भाई सपोर्ट करो, और इन्हीं की वजह से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, वरना मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाती, ये बात सच है। बहुत मोटिवेशन दिया था इन्होंने ब्लॉग के लिए। देखो ये अगर ये ना कहते ना कि एक दिन इन्होंने चलती गाड़ी बोला तू व्लॉग बना खुद शुरू कर, तो भाई मुझे झिझक तो हुई थी, लेकिन उस दिन इन्होंने जो मोटिवेशन किया, मतलब जो एक बार ये मोटिवेट कर देते ना भाई, वो इंसान इतना अच्छा मोटिवेट होता है, इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करूँगी। तो प्लीज़ ऐसे इंसान को आप अप्रिशिएट करो, इग्नोर मत करो, प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट जैसे कर रहे थे अब तक, भर दो उतना ही प्यार देते थे जितना आप मुझे दे रहे हो या इनको पहले देते थे। आई नो कि थोड़ा ये वीडियोज में कम, मतलब कि भाई देखो ये जिम भी संभालते हैं, मेरा सिर्फ घर है, तो इनका थोड़ा काम ज्यादा होता है, बाहर का भी, कंपटीशन का भी, जिम का भी, तो और माइंड को सेट रख के ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में हमेशा सेम सिस्टम चलता है, सेम टाइम चलता है हमारे भी। भाई प्रॉब्लम तो देखो हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी है, और मेरी लाइफ में तो देखो सबको अपनी प्रॉब्लम वैसे ज्यादा ही दिखती है, पर हर किसी के हमारी लाइफ में आते ही आती है, हमारी लाइफ में, हमारी एज के अकॉर्डिंग में सीरियसली बोलूं इनकी कसम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग शेयर नहीं करते हैं, बताते हैं, समझ ले रही कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, सबकी लाइफ में होती है मानती हूँ, बट हमारी लाइफ में थोड़ी ज्यादा, इसलिए हमें लगती है कि हमारी एज के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लम्स है, और हमने कभी सोची नहीं थी शायद, पर सपोर्ट आपका हमें वो सब भुला देता है, ये तो बात है। आपके सपोर्ट से आप प्रॉब्लम भूल जाते हैं, जो आप लोग कमेंट पढ़ते हैं ना भाई, उससे हम सब भूल जाते हैं। कल भी जो बंदा आया वो कमेंट ही करता है, और कल वो बंदा इतना अच्छा यूपी से आया मिलने, एक कॉल आया यूपी से, वो ज्वेलर था, तो भाई अच्छा लगता है जब लोग पसंद करके कॉल करते हैं, मिल के आऊंगा। यूपी जाना, यूपी जाना तो है कल, देखते देख लेने बाद, ठीक है ना। तो भाई जब अच्छा लगता है लोग कॉल करके बोलते हैं ना कि हम आपकी चीज़ों को देखते हैं, स्पेशली उसकी भाभी ने वीडियो कॉल करी, तो भाई बहुत अच्छा लगा कि हाँ लोग पसंद, देखो जो लोग पसंद नहीं करते उनके लिए कोई कमेंट नहीं है, वो आपकी मर्जी है, जो पसंद करते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। बैठे नहीं बैठे, कहाँ बैठे, यही देखने आई थी मैं, ऊपर तो नहीं बैठ गए हो, कभी कभी आप भूल जाते हो ना भाई, ऐसे चौकड़ी मार के बैठो सबसे बढ़िया है। रात को ये डब्बा गिर गया, मैं डर गई डर गई मैं चुपचाप सो गई, मैं उठी नहीं दोबारा।
तरह मैं आपके फोन में लगी टिक 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 में काम में लगी रहती हूँ, पता आपको क्या काम कर लिया आपने? और ये जो आप फैला के घर कौन समेटेगा? क्या काम कर लिया आपने? सारा काम हो गया, आपसे मैं नहा धो के सब तैयार थी तो मैं अगर नहाया धोया ना उड़ा, ये देखो भाई मैं भी नहाया धोया उड़ू। हाँ तू क्या कर रही बता, ये पकड़ो। अरे हाँ, और कुछ भी नहीं रखते हो अंदर, तुम्हें कुछ मशीन में डालना नहीं, कुछ रखना नहीं। चलो एक उधर लगा दिया। हाँ नहीं पहले बाल्टी रखो साथ साथ, चलो चलो रखो ठीक है उठाओ। तो ऐसी आ रही है कपड़े के इंसान हैं आपको सुखा दूँ? तेरे को सुखा दूँ? अब ठीक होगी ना मिट्टी? मेरे गेंदे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ एक गेंदा अंदर रख लूँ पर मेरे बड़े नहीं होंगे। फिर बड़े नहीं होंगे। सबसे चीज पता क्या लग रही है, हर पेड़ में ये वाली जो घास है ना, हाँ क्या वो धूप घास कुछ कहते हैं इसको, हाँ पूजा में यूज होती है अपने आप आ रही है। बहुत बढ़िया है कि अपने आप आ रही है, हाँ सही है ना। डुबोगी तने तो? डुबोंगी ऊपर से करूंगी तो पानी वाली। इसमें ज्यादा मत दे, बस 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 थोड़ा थोड़ा ही दे। हैं? कोई ना अभी सूखन दे थोड़ा और, तब डाल दियो ऊपर ऊपर तक छीते डाल कर अभी तो। अब अपने छोटे छोटू का देखते हैं। छोटू छोटू में आ रहे हैं। छोटू छोटू ये दो आ गए। दूसरा देखा मैंने, बढ़िया बढ़िया करने पड़ेंगे। ओ तेरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया चिंटू सा। तो ये ना बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसका उसको ना फिर उसमें बदल दूंगी, ऐसे जैसे इसमें सफेद वाला लाई हूं ऐसे में लेके आऊंगी बड़े बड़े, तो पूरे पूरे लगा दूंगी। हां अपनी छत को अंदर से दुकान से चेक करूं ना टाटा पड़ा। हां तो मैं ऊपर से देखने जाऊंगी अंदर से कम जाने से। तो भाई ये छत का एरिया आ गया है। बाहर चढ़ना पड़ेगा पहले छत के ऊपर। हां ये भीतर काम नहीं होगा। ओह धूप हो रही है, बहुत धूप है ना। नहीं कह रही सर्दियों को, और देख फूल पीछे देख लियो, पता है वो तो मैंने ये पेड़ देखो, हां सूखा पड़ा, हां दो दिन बाद देखो सारे पत्ते आ गए। हां ये जामुन का पेड़ देख, यो वाला ये? अरे ये हाँ ये जामुन आने दे और के खाए हैं यहाँ से तुमने बहुत। देखो आप कहते हो नीम कहाँ से लाऊंगा? हाँ ये रहा नीम, तो ये रहा टीथ के लिए। हाँ सही है, इसी को यूज करा करेंगे बेटा। हाँ से ले आओ जो के अंदर से नीम को बगल में लगा। और क्या चले जी, गर्मी लग रही है। गर्मी इतनी हो रही है यार, यार एसी करा लो करा दो, गर्मी लग रही थी अंदर। हैं हाँ सही में लग रही थी, मैंने तो ना लगी यार, खुद तो कंबल छोड़ के लेटे थे, गर्मी नहीं लग रही थी। तो तू भी छोड़ देते कंबल पे क्या कर रही है? आने के बाद भी लग रही थी। फिर और छोटा और पतले वाला कंबल निकाल ले। अच्छा पर ऐसे निकलूंगा। हां
यार जिम के भी कराने हैं यार। ये मेरी आई लस्सी। हाँ भाई थैंक यू सो मच रिंकू भैया। और जब आपने लस्सी नहीं दी थी ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा ना बीच में रूटीन बदल गया था। भैया प्लीज लस्सी दिया करो जब भी आते हो, कि मेरी आपकी एक ये बॉटल 2 दिन तो कम से चल जाती है। ले गए वो बॉटल्स? हाँ कम 2 दिन मेरी चल जाती है बॉटल आराम से, 2 से 3 दिन तो हर तीसरे दिन ला दे करो। देखो एक एक टाइम की होगी, एक एक टाइम की होगी, एक एक टाइम की होगी, हो गई 2 दिन की भाई घर की लस्सी का ना। और इसमें जो वो धूनी वाला कैसे बोलूंगी, क्योंकि ये जो दूध है चूल्हे पे उबलता है, इसी को मतलब दही बना के जैसे भी इसमें से घी जैसे भी निकालते जो भी प्रोसेस रहता है, इस वजह से इसमें ना खुशबू भी चूल्हे की रहती है एंड सो टेस्टी। और साथ 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 क्या छाछ के साथ साथ इसमें ना घी घी की चीजें भी मिल जाती है, जब दिख रहा नहीं घी इसमें घी ना उतना ही मिला भी हुआ है। बाहर से लाओगे ना इतने में इतना तो वाटर मिला होगा। खाना बना लो मैं फटाफट से लस्सी पीऊं। तो भाई इसी पोजीशन में खड़े खड़े ना सारी वीडियोस अपलोड कर लेंगे, कोई इनको मतलब कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, कोई कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, कोई बैठने को चेयर नहीं चाहिए, सोफा नहीं चाहिए, खड़े खड़े ऐसे बच्चे होते हैं ना, खड़े खड़े सारे काम कर। आपके राइस गए जल गए, आपको क्या लगता हो गए हैं? कुछ जो स्लैब के नीचे ऊपर बैठ जाओ ना, शर्म नहीं आती है बताओ। ये भी मैंने गलती कर दी बता के। तो भाई मेरे राइस बन गए हैं, थोड़े से रह गए हैं बस, लो बनाओ। क्या बनाओ? घुमाओ इनको, लग जाएंगे नीचे, घूम रहे ऐसे लग जाएंगे, जीप चला दूंगी नीचे अंदर, पकड़ो से जलाऊं, लग जाएगी, पकड़ो फिर घुमाओ, खांसी खांसी हो जाएगा। ठीक है मुन्ना गाड़ा दे, बाड़ा घूमे जाएगा, आप कोई बाड़क बाड़क ना हो, वो होते हैं बाड़क जिनको संभालने वाला कोई होता है, आप खुद को खुद संभालते हो ठीक है ना, तो कहाँ से बाड़क हुए हैं? सबसे फोन चला रहे हो, लेट आए थे, कोई काम नहीं करके देते, गुस्सा तो आती है पर क्या करूं, गुस्सा पीना पड़ता है ऐसे आदमी के सामने। देखो कितने कैसे बच्चों की तरह बैठे हैं स्लैब पे, कोई बैठता भाई ऐसे? कौन कौन बैठता प्लीज बताना जरूर कमेंट करके। तो भाई अपनी मील रेडी कर ली है आज, ये मत बोलना कि भाई सूखी रोटी क्यों है, घी क्यों नहीं है, और आज साथ में ली छाछ। तो भाई जब छाछ मिले, जब कुछ मतलब कुछ ऐसा मिले ना जिसका घी की नीड ना लगे, तो भाई विदाउट घी भी रोटी खा लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कि घी हमें चाहिए ही चाहिए। तो भाई जब छाछ मिले ना मैं रूखी सूखी कैसी भी खा सकती हूँ बस यह है कि घी तब चाहिए होता है जब कोई सब्जी हो, कि सूखी रोटी अजीब सी लगती है। ऑलरेडी घी वाला सिस्टम तो इसमें छाछ में ऑलरेडी मिक्स है, जो कि टिंकू भैया ने दे दिया है, तो धन्यवाद टिंकू भैया। जो छाछ के लिए तो कितनी बारी बोलो ना उतना थैंक यू कम है, क्योंकि ना छाछ घर की और बाहर की मेरे भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक प्योरिटी का फ़र्क है और एक चीज़ का फ़र्क है, तो भाई ये चीज़ बहुत अलग है, तो इसके लिए भाई थैंक यू बनता है। बाकी इसके बाद हम चलते हैं यशु के पास, यशु से मिलने का मन कर रहा था, थोड़ा मिल के आऊँगी, बैठ के आऊँगी और इनको घर वापस भेज दूँगी, ये बैठने लायक नहीं है, तुम वापस घर आ जाना ठीक है ना? मैं वापस जा रही हूँ। हाँ घर ही आ, कोई बात नहीं, कभी कभी अकेले भी छोड़ना चाहिए, सही बात है? सही, बिल्कुल सही बात, सही बात है ना? तो भाई खाना वाना खाते फिर निकलते हैं। कर लेने आए भाई मैडम सारी मिठाई, फिर भी क्या क्या पहले खाएंगे तो ले लिया, कलाकंद ले लिया भाई, यहाँ देख के ना ऐसा जी करे सारी मिठाई खा जाओ है ना। हटी हटी तेरी तेरी फेवरेट कौन सी है? तेरी फेवरेट कौन सी? दिवाली वाली तो सब में सिर्फ 30 लगवा देती हूं, वो सही है ना? हां इसमें ना सारी आ जाती है। चलो जी चलें, वेलकम बोल रहा है, अब आगे बोलो थैंक यू, ठीक है बस इतना ही होता है चला भाई चलो यशु।
हेलो कर देना, वीडियो पे तो बड़े अच्छे से बात करती है, सामने आने के भूल जाती है, बाय नहीं हेलो। अब तो आ गई, अब तो ले लो। क्या क्या मैं किसी घर में मैंने उसने पिट्टी भी की थी ना, कैसे की थी पिट्टी, पिट्टी कैसे की थी कोई सोचेगा सर में सच में मारा होगा बच्चा। भाई इसकी बातों पे ध्यान मत देना, इस पे यकीन मत करना, ये बिल्कुल अपने पापा जैसी है। अच्छा बताओ तो यीशु के बाल क्या, वो यीशु के बाल है ये भाई, सारे काम बता देगी भाई। ऐसा नहीं है, सिर्फ मुझे ही शौक है, ऑनलाइन शॉकिंग और भी है घर में। क्या आया दिखाना पड़ेगा no, नहीं मैं तो देखूंगी। चल यशु चल, यशु चल, अरे वो है बस, मैंने भी ना इसका कवर नहीं है, वो मंगा रखा है। चल 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 चल, अच्छा भाई राम पैदल नहीं चलने को तैयार। चल क्या होगा, भाई इतने इतने दिन थोड़ी ना ओड़ी कोई कह लेगा। इतनी तेज बाजी चल, आज कहाँ जाना है, क्या हुआ, क्या हो गया, ले ले छे बोलेगा। ये तो टाइम पे मेरा फोन चालू हो गया, अब लोग इस टाइम पे फोन चालू हो गया, इस हमारे बच गई तो क्या बात है। हाँ हाँ, और रवि क्या कह रही थी, प्लीज घर ले चलो, छह गोलगप्पे ले लो तो ले लो ना, फिर कह रहे हो तो ले लो, क्यों ले ले भाई, हर टाइम बाहर का इबे खा का आई है ना, के पी का आई है, पी आई ना, शांति रह गए, शांति रह गए, चाल देने फटाफट वॉशरूम भी जाना है। तो भाई इनका मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, देखो अभी गोलगप्पे लेने जा रहे हैं भीतर, दिखाती हूँ मैं, नहीं क्या ही मन करता है इनको हरदम गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, आने दो फिर पूछते हो। बहुत चटोरे हो रहे हैं भाई ये, बच गई। खा बेटा खा, और बारिश हो ही गई है ना, सही है, मैंने डिसीजन सही लिया, मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके गया था मेरा से, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी। हाँ मैं बाइक लेके चले या वो लेके चले, आराम से खा ले, आराम से खा ले। हाई लुगाई मेरी चिरमिठी सी है वैसे तू, है ना चिरमिठी खाओगे ना, मैं ना खाऊ, आप खाओ, तू खाने का मतलब इंस्टेंट ही है वैसे। हाँ खाओ ना, फिर ये सील जाते हैं। अभी इनको देख रहा है ज्ञान पेल के आई हूँ, क्या मंडे से आएगी फिर थी, मंडे से आएगी वेट बढ़ा ले बहन। हां कहती भाभी दो दिन खाती हूं चार दिन फिर ऐसे हो जाए, नहीं तो ये रहेगी मोटा होना है तो होएगी। हाँ। चाय छोड़ दे पहले तो, मेरे सामने मैं समझा रही हूँ चाय का कप ला के डम दे रही ले, कृति पी ले। हां उसने पकड़ लिया। हां कहती भाभी भाभी के सामने क्यों दिया। हां मगर क्या पे तो उसे लगा कि थोड़ा कम करके लाएगी, मैंने सारा पलट दिया वो पतीले में। हां फिर नीलम कहती, फिर नीलम ले कटोरी में। हाँ।
इसकी पलट के तू ले आई फिर पी गया उससे ठीक है। उसे लगा कि कहती दीदी जाएगी जाओगे ना आप तब ये पिएगी। कहती भाभी मैं नहीं पी रही, नहीं पता तू पिएगी। मैं जो था वो सिंक में पलटा ही पी ले। मैं तुमसे जूस जास ना पिया जाता, फल ना खाए जाते। कहती अब मैं भी कल से जूस मंगाऊ। जूस क्यों मंगाना, फल मंगाओ। अनार खाओगे तो एक अनार भी नहीं खा पाओगे। खाना तुझे खा लो। अरे मेरे को नहीं खाना यार। जब खाने का मन हो मैं बोल दूं, मैं ले लूं खुद ही। थोड़े दिन रहे सही है। मैं गाड़ी गाड़ी अंदर करके आया हूँ। ओले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओले आइस बॉल। हां ओले को ओले मेरे हाथ में कैसा था? बढ़िया है। ले जा। अरे ठंडे एकदम। हां सही में ठंडे है। कई बार तो ऐसी बात कर दे। बस इतना ही हैंडल है। कहीं और बड़े बड़े और के छोड़ दे। पिला दी ना बड़ी करके दो। खाइए। खा के दे दी। नहीं मिट्टी के। मिट्टी के। ये कैसे खाएगा तू? ए यार। ए लाए खाना। कैसे जाए? इसने बोला ओले पड़ गए। जब तक पड़े जिसने बोला ओले पड़ गए। हां। एक आवाज आपकी ना बहुत गंदी है। क्या? मैं फोन करूंगी कि भाई आ जाओ, तो कहेंगे ठीक है ठीक है। ऐसे करते करते कहेंगे पाँच मिनट। पाँच मिनट के भाई साहब एक घंटा पूरा हो जाता है। सुबह को भी यार, शाम को भी यार, ठीक है। और कोई पूछेगा ना कुछ कह रही हो? अरे कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कहती। क्या कह रही? मैं कॉल तभी करती हूँ या तो कहीं जाना होता है, सुबह उठना होता है, या तो ज़्यादा लेट हो गया होता है। औरतों की तरफ बतियाते रहेंगे यार मुझे ना। आदमियों में बहुत, इवन औरतों में भी, मुझे इवन औरत आदमी दोनों में ही आदत बहुत बुरी लगती है। ये जो बात करने वाला सिस्टम है ना, कि जो लगे रहते हैं, मतलब जैसे वो नहीं थे वो जो गली की औरतें से होती, मोहल्ले वाली से बैठ के लगी रहती चुगली चाटी में, मतलब कोई ना कोई बात में, मुझे वो पसंद नहीं कतई भी, ना अपने साथ ना आदमियों के साथ। पर ये ना अगर बैठ गए ना चार बंदों के साथ, भाई ये कहाँ दुनिया तक की बातें करके उठ नहीं सकते भाई। और यार वो नेक्स्ट लेवल लगती है। मुझे फालतू का समय वेस्ट लगता है। और फिर उस पे सोने पे सुहा गई है कि कॉल करो आ रहे हो। हाँ बस पाँच मिनट भाई। वो पाँच मिनट को मैं किसी दिन तुम्हें दिखाऊंगी, वो पाँच मिनट में समय भी दिखाऊंगी किस टाइम कॉल की है और किस टाइम ये आते हैं। कम से कम 45 मिनट से नीचे नहीं होता इनका वो पाँच मिनट। औरत की पाँच मिनट मेकअप की और आदमी के पाँच मिनट आ रहा होंगे इक्वल होते हैं बिल्कुल। मानते हो बात? तो भाई कल आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा ब्लॉग में, कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। जो लोग उस चीज़ों को पसंद करते हैं वो सपोर्ट करेंगे, और जो पसंद नहीं करते उनके अंदर बुरी चीज़ें हैं वो लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। पर मुझे और इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो चीज़ पॉजिटिव है वो दुनिया में पॉजिटिव ही रहेगी, और हम आपको पॉजिटिविटी ही दिखाएंगे। क्योंकि जो पॉजिटिव है वही वहाँ जा सकता है, जो नेगेटिव है वहाँ कभी नहीं जाएगा, उसको तो भाई भगवान ही ले जा सकता है। तो आपसे कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।